नमस्ते, मैं हूं आशुतोष। तो क्रिकेट के इतिहास और बैटिंग के विज्ञान के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं बॉलिंग की। 1970 और 80 के दशक में वेस्टइंडीज की टीम का दुनिया पर राज था। वो क्रिकेट में नंबर वन थे और उनके फास्ट बॉलिंग का अटैक ने सभी बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया था। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलर्स का दबदबा था जो कि बैट्समैन को घायल कर देते थे। 1980 और 90 के दशकों में पाकिस्तान के बॉलर ने एक नई कला को दुनिया के सामने रखा जिसने सभी को हैरत में डाल दिया, और यह थी रिवर्स स्विंग। और वह पुरानी बॉल को भी स्विंग करा ले रहे थे। उनका कहर इस तरीके का था, जो कि उनके टॉप बॉलर्स वसीम अकरम और वकार यूनिस थे, कि उन पर चीटिंग के आरोप लगे। और रोचक बात यह है कि ये चीटिंग के आरोप 1990-92 में जब उन पर लगे, उससे कई साल पहले इमरान खान ने अपने वैज्ञानिक दोस्त रविंद्र मेहता को रिवर्स स्विंग के बारे में बताया था। और रविंद्र मेहता कई सालों से एरोडायनेमिक्स पे शोध कर रहे थे, क्रिकेट बॉल के ऊपर खास तौर से। और जब उन्होंने इमरान खान से इसके बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसी स्विंग होना भी संभव है। अगले साल जब उन्होंने प्रयोग करे तो उन्हें इसके विज्ञान के बारे में पता चला। लेकिन स्विंग के विज्ञान के बारे में जानने से पहले, क्या आप भी स्विंग खुद करना चाहेंगे? हम इतने माहिर तो हैं नहीं कि असली की क्रिकेट बॉल से स्विंग कर पाए, इसलिए हमने यहाँ सीसीएल में एक खिलौना मॉडल बनाया है जिससे आप सभी स्विंग कर सकते हैं। और ये इतना सरल मॉडल है कि भारत का हर बच्चा और युवा स्विंग बॉलिंग कर सकता है। और क्या पता आप में से ही कोई आगे चलकर बहुत बड़ा स्विंग बॉलर बने या एरोडायनेमिक्स का एक्सपर्ट। तो इसके लिए आप एक स्माइली की फोम बॉल लीजिए और एक हल्की सी सुतली लीजिए। हमारी ये सुतली का डायमीटर लगभग 1.5 मिलीमीटर है। और फिर आप इसकी जो सेंटर लाइन है उससे लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस सुतली को फेवी बॉन्ड से चिपका लीजिए। और इसे जब आप चिपका लेंगे तो यह कुछ ऐसी बन जाएगी। और जब ये इस तरीके की बन जाए और ये सुतली अच्छे से सूख जाए, तो इसे आप सीधा पकड़ के जिस दिशा में आपको स्विंग करनी है उस तरफ सुतली को रख के तेज फेंके। अगर आपको बाईं तरफ करनी है तो बाईं तरफ, और दाईं तरफ करनी है तो सुतली को दाईं तरफ रखें। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारी कुछ स्विंग बॉल स्लो मोशन में। तो आप जानते हैं कि इस स्विंग बॉलिंग का विज्ञान क्या है। दरअसल जब हम किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं तो उसके बहुत नजदीक हवा की एक पतली परत भी उसके साथ आगे को बढ़ती है। यह कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे पानी हमारे हाथ से चिपकता है जब हम हाथ पानी में आगे करते हैं। उसी तरह जब बॉल आगे जाती है तो इसके नजदीक की हवा इसके साथ चिपकती है और उसके थोड़े बगल की हवा उसके साथ आगे को घसीटी जाती है। तो ये जो पतली सी परत है जहां हवा का गाढ़ापन मायने रखता है, इसे बाउंड्री लेयर कहते हैं। और इस बाउंड्री लेयर में हवा का बहाव जैसा है उससे इस वस्तु की गति पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस बाउंड्री लेयर में हवा का बहाव दो तरीके का हो सकता है। एक तो ऐसा बहाव जो कि बहुत व्यवस्थित है, जिसमें हवा की परतें एक दूसरे के बगल में बिल्कुल सीधे बिना मिले हुए जा रही हैं, और दूसरा बहाव जो कि बहुत अस्त व्यस्त है, जहां हवा की परतें एक दूसरे में मिल रही हैं। पहले टाइप के व्यवस्थित बहाव को हम लेमिनार फ्लो कहते हैं और दूसरे टाइप के अस्त व्यस्त बहाव को टर्बुलेंट फ्लो। आपने इसे अपने दैनिक जीवन में आसपास कई बार देखा होगा, जैसे कि जब हम नल खोलते हैं तो जब नल कम खुला होता है तो पानी बहुत ही साफ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता है। तो ये व्यवस्थित जो बहाव है इसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। और जब आप पानी को तेज कर दें तो पानी झाग जैसा एक दूसरे में मिला हुआ आता है, इसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अगरबत्ती के धुएं में भी ऐसा ही दिखता है कि शुरू में एक बहुत ही सीधी सी व्यवस्थित सा धार हमें दिखती है धुएं की, और ऊपर जाके वो एक बादल जैसा बन जाता है। तो शुरू में वो लैमिनार फ्लो है और बाद में टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो की खास बात यह होती है कि जैसे अगर हवा इधर से आ रही है और इस सतह पे हवा ऊपर को जाती है, तो अगर वो फ्लो लैमिनार है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चिपकेगा और पहले ही निकल जाएगा। लेकिन अगर बॉल की स्पीड तेज है या बॉल थोड़ी खुरदुरी है तो ये बहाव टर्बुलेंट हो जाता है और थोड़ा पीछे तक चिपकता है। तो लैमिनार फ्लो जल्दी हट जाता है और टर्बुलेंट फ्लो दूर तक चिपकता है। और इस कारण से टर्बुलेंट फ्लो का जो हवा का दबाव होता है वो लैमिनार फ्लो से कम होता है। तो अब इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक घुमावदार वस्तु के ऊपर धुआं डाला गया है और हवा दाईं साइड से आ रही है। तो लैमिनार फ्लो कैसे जल्दी अलग हो गया है और बहुत व्यवस्थित दिख रहा है,
लेकिन टर्बुलेंट फ्लो काफी पीछे जाके छूटा है और काफी अस्त व्यस्त सा दिख रहा है हमें। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं एक नई क्रिकेट बॉल के ऊपर हवा का बहाव। आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड हवा काफी जल्दी अलग हो गई है और वो काफी व्यवस्थित रूप से सेपरेट हुई है, और ऊपर की साइड सीम से टकराने के बाद हवा टर्बुलेंट हो गई है और वो काफी दूर जाके बॉल से अलग हुई है। और यही क्रिकेट बॉल की सीम का एक बहुत अहम रोल आ जाता है कि जो लेमिनार फ्लो था हवा का, उस वो सीम से टकराने के बाद टर्बुलेंट हो जाता है। और इस स्थिति में ऊपर की साइड टर्बुलेंट फ्लो है और नीचे की साइड लेमिनार फ्लो, तो ऊपर की साइड कम दबाव, नीचे की साइड ज्यादा दबाव और हवा का बल बॉल पे ऊपर की ओर लगेगा, तो ये बॉल ऊपर की ओर स्विंग होगी यानी कि सीम की दिशा में। और इसी को कन्वेंशनल स्विंग बोलते हैं, यानी कि ऐसी स्विंग जो सीम की दिशा में ही स्विंग हो रही हो। अब इस बॉल को अगर हम और तेजी से फेंकना शुरू करें तो यह जो नीचे की साइड लैमिनार फ्लो था, यह धीरे धीरे टर्बुलेंट फ्लो में बदलने लगेगा और यह भी थोड़ा और पीछे जाके बॉल से अलग होने लगेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी स्पीड ऐसी होगी कि नीचे की साइड भी टर्बुलेंट फ्लो होगा और ऊपर की साइड भी टर्बुलेंट फ्लो होगा और दोनों तरफ बराबर स्थिति हो जाएगी और तब बॉल स्विंग होना बंद हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे बॉलर हैं जिनकी बॉल स्विंग नहीं हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा धीमे बॉल डालिए ताकि ये जो बराबर हवा का जो ये फ्लो दोनों तरफ बराबर हो रहा है, ये थोड़ा बदल जाए और आपको फिर से वो असमान सेपरेशन मिल जाए। अब इसी बॉल को अगर हम और तेजी से फेंकना शुरू कर देंगे तो एक और दिलचस्प स्थिति आ जाएगी कि नीचे की साइड तो हमें टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा, लेकिन ऊपर की साइड अब हवा सीम पे पहुंचने से पहले ही टर्बुलेंट हो जाएगी और सीम से टकराने के बाद वो और ज्यादा टर्बुलेंट हो जाती है और पहले छूट जाती है। तो अब स्थिति ठीक उल्टी हो जाती है कि नीचे बिना सीम वाली साइड तो हवा पीछे जाके छूटती है, लेकिन ऊपर सीम वाली साइड पे हवा और जल्दी छूट जाती है। तो अब हवा का दबाव नीचे कम हो जाएगा और ऊपर ज्यादा, और हवा का दबाव नीचे की ओर लगेगा बॉल पर, तो बॉल नीचे की ओर स्विंग करेगी यानी सीम की उल्टी दिशा में, और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं। तो ये भी एक मिथक है कि रिवर्स स्विंग केवल पुरानी बॉल से हो सकती है। नई बॉल को अगर बहुत स्पीड से फेंका जाए तो नई बॉल से भी रिवर्स स्विंग हो सकती है, रिवर्स स्विंग यानी सीम की उल्टी दिशा में। अब आपने ये देखा होगा कि जो बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, वो बॉल को लगातार घिसते रहते हैं और उसकी एक साइड चमकीली बनाते रहते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो बॉल का वो हिस्सा है जो बैट्समैन की तरफ रख के फेंका जाता है वो काफ़ी स्मूथ रहे, और स्मूथ रहने से उस तरफ लैमिनार फ्लो आसानी से बना रहता है। और जैसे जैसे बॉल पुरानी होती रहती है, एक साइड को अगर आप चमकाते रहें और उसे बॉलर की तरफ, बैट्समैन की तरफ ही रखें, तो उस साइड लगातार लैमिनार फ्लो बना रहेगा और आपको जो कन्वेंशनल स्विंग है सीम की दिशा में वो मिलते रहेगी, और दूसरी साइड को वो लोग छूते नहीं है और उसे रफ होने देते हैं। तो एक साइड काफ़ी रफ हो जाती है जैसे जैसे बॉल पुरानी होती है और दूसरी साइड उसके कंपेरिजन में थोड़ी स्मूथ रहती है। तो पुरानी बॉल से भी आपको कन्वेंशनल स्विंग मिलते रहता है, और जब बॉल बहुत पुरानी हो जाती है तो रिवर्स स्विंग करने के लिए क्या किया जाता है कि वो जो रफ साइड है उसको आगे की तरफ आप रख देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि रिवर्स स्विंग में बैट्समैन की साइड वाली जो बैट्समैन की तरफ वाली जो बॉल है वहाँ पर को टर्बुलेंट फ्लो होता है, और दूसरी साइड सीम पे पहुँचने से पहले ही जो टर्बुलेंट फ्लो था वो सीम में टकराने के बाद और ज़्यादा टर्बुलेंट होके पहले निकल जाता है। तो इस तरफ वो फ्लो पहले निकल गया, इस तरफ टर्बुलेंट फ्लो बाद में निकला, इस तरफ लो प्रेशर, इस तरफ हाई प्रेशर, तो अब फोर्स इधर लगेगा, तो अब बॉल सीम की उल्टी दिशा में स्विंग होती है। लेकिन अगर आप वीडियो देखें तो उसमें ज़्यादातर आपको दिखेगा कि जो बॉलर्स पुरानी बॉल से स्विंग कराते हैं वो पुरानी बॉल का भी जो चमकीला हिस्सा होता है उसे आगे की तरफ रखते हैं और वो चमकीले साइड से ऊपर की तरफ स्विंग होती है। लेकिन विज्ञान तो ये कहता है कि अगर आप रफ साइड को आगे रखें तो आप और आसानी से रिवर्स स्विंग करा पाएंगे, क्योंकि टर्बुलेंस बनाने में स्पीड और रफ सरफेस काम में आता है। तो अगर सरफेस रफ है तो आप और कम स्पीड पे रिवर्स स्विंग करा पाएंगे बजाय कि जब सरफेस स्मूथ है। तो यहाँ पर को आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या आपकी रिवर्स स्विंग रफ साइड आगे रख के ज़्यादा आसानी से कम स्पीड पे हो पा रही है या स्मूथ साइड आगे रख के। विज्ञान तो कहता है कि रफ साइड आगे रखने से और ज़्यादा आपको आसानी होगी। एक और तरीके की स्विंग होती है जिसे अक्सर रिवर्स स्विंग से कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी पुरानी बॉल के साथ होती है, और इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट स्विंग, जो कि सीधी सीम के साथ की जाती है।
कॉन्ट्रास्ट स्विंग तब होती है जब एक साइड तो काफी चिकनी हो लेकिन दूसरी साइड बहुत ज्यादा रफ हो गई हो, यानी दोनों सर्फेसेस के बीच काफी कॉन्ट्रास्ट, काफी फर्क हो। तो जब कम स्पीड पर हम डालते हैं तो इस साइड तो लैमिनार फ्लो बनता है जो स्मूथ साइड है, लेकिन दूसरी साइड रफ होने के कारण टर्बुलेंट फ्लो बनता है और बॉल रफ साइड की ओर स्विंग करती है। लेकिन इसे अगर आप काफी तेज स्पीड पर डालें तो अब क्या होगा कि जो रफ साइड थी वहां तेज स्पीड के कारण कुछ ज्यादा ही टर्बुलेंस हो जाएगा और बॉल और हवा पहले सेपरेट हो जाएगी और दूसरी साइड जहां अभी तक लैमिनार था वहां अब टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा और ये पीछे तक चिपकेगा। तो अब बॉल स्मूथ साइड की ओर स्विंग करने लग जाएगी और इस टाइप की स्विंग में सीम का कोई रोल नहीं होता। जो कन्वेंशनल स्विंग थी और जो रिवर्स स्विंग थी इन दोनों में उभरी हुई सीम का बहुत ज्यादा रोल होता है क्योंकि वो बाउंड्री लेयर का टर्बुलेंस बढ़ाती है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट स्विंग ऐसी बॉल से भी हो सकता है जिसकी सीम पूरी पिचकी हुई है या गायब हुई है, और इसको आप साबित कर सकते हैं और इसका एक खिलौना बना सकते हैं। अगर आप एक टेनिस बॉल लें और उसकी एक साइड इलेक्ट्रिकल टेप चिपका दें तो ये साइड थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई और ये साइड में जो इसके बाल हैं इससे काफ़ी रफ हो गई। अब अगर आप इसकी सीम सीधी रख के फेंकें तो यह बॉल भी स्विंग होती है। आखिरी चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है कि ये जो हमारी स्विंग बॉल का फोम बॉल का मॉडल था इसमें हमने सीम एक साइड की ओर क्यों रखी जबकि नॉर्मल बॉल में तो सीम बीच में होती है। दरअसल स्विंग करने के लिए जैसा हमने देखा कि स्पीड चाहिए, सरफेस की रफनेस मायने रखती है, हवा का फ्लो मायने रखता है, तो वो जो हवा का फ्लो है जो अलग अलग हो रहा है वो इस कारण से है कि सीम का एक एंगल है। अब बॉलर को बॉल तो आगे को फेंकनी है लेकिन सीम का एंगल हमेशा एक तरफ रहना चाहिए और ये सीम एक तरफ बनी रहे इसके लिए जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तो उसमें एक बैक स्पिन आता है, तो बैक स्पिन में बॉल ऐसे भी घूम रही है और आगे को भी जा रही है। तो इस तरीके से जो इसमें बैक स्पिन आता है इससे बॉल को एक जायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी मिलती है, यानी वो अपनी सीम की दिशा में ही घूमते रहती है और सीम एक दिशा में ही पॉइंट करती है। जायरोस्कोप यानी कि जैसे हम जो लट्टू घुमाते हैं उनको थोड़ा सा आप हिलाएं या थोड़ा सा हिलाएं तो तब भी वो अपनी धुरी पर ही घूमते रहते हैं, अपनी एक्सिस बनाए रखते हैं। इसी तरीके से बॉल भी अगर ऐसे बैक स्पिन करती है तो वो जो स्पिन एक्सिस है इसके अराउंड स्टेबल रहती है और सीम की दिशा एक ही रहती है। और यहीं पर को प्लेयर्स की प्रैक्टिस, उनकी कला, उनका हुनर बहुत मायने रखता है क्योंकि आपको बॉल तो फेंकनी है सीधे लेकिन सीम होनी चाहिए तिरछी, और इसीलिए हम अपनी फोम बॉल में सीम को एक साइड रख देते हैं क्योंकि हम असली बॉलर जैसे उस्ताद तो नहीं है कि हम सीम को इस तरफ रख के भी स्पिन दे दें और आगे को भी फेंकें, इसलिए इस तरफ टर्बुलेंट फ्लो बना रहे हम सीम को ही एक तरफ चिपका देते हैं। तो ये थी तीन तरीके की स्विंग, कन्वेंशनल स्विंग जो सीम की दिशा में होती है, रिवर्स स्विंग जो सीम की उल्टी दिशा में होती है और नई और पुरानी बॉल दोनों से हो सकती है, और कॉन्ट्रास्ट स्विंग जो सीधी सीम के साथ होती है और पुरानी बॉल के साथ अक्सर होती है। और तो आप ये दो मॉडल जरूर बनाएं, फोम बॉल का और कॉन्ट्रास्ट स्विंग का, और खूब मजे करें और इसके साथ विज्ञान भी सीखें। उम्मीद है कि आप में से ही कोई आगे चल के एक बहुत महान स्विंग बॉलर बनेगा या एक महान वैज्ञानिक बनेगा। धन्यवाद।